गाइस ऑलमोस्ट जितने भी पैसेंजर कार मार्केट में बड़े प्लेयर्स सभी अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में काम कर रहे हैं। अभी कल की बात है कि महिंद्रा ने भी अपने इलेक्ट्रिक कार्स को दिखाया और एक नहीं टोटल 5 इलेक्ट्रिक कार्स को दिखाया, और टाटा ऑलरेडी इस मार्केट में है ही, हुंडई भी है, लेकिन यहाँ पे एक नया प्लेयर है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के अभी तक हम लोग स्कूटर्स देख रहे थे, लेकिन 15th ऑफ अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन ओला इलेक्ट्रिक के CEO भावेश अग्रवाल जी ने बोला कि वो इलेक्ट्रिक कार्स भी लेके आएंगे। तो वो इलेक्ट्रिक कार्स में क्या क्या होगी, क्या क्या उन्होंने बताया, वो मैं आपको बताता हूँ। और पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ओला इलेक्ट्रिक कार के लिए, क्योंकि पर्सनली ओला ब्रांड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिया का टेस्ला वर्जन है, आप कह सकते हो। कम्प्लीटली नया ब्रांड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में आप देखो तो भाई काफी अच्छे नंबर्स में सेल कर रहा है। लगभग 7 मंथ में इन्होंने 70,000 से भी ज्यादा स्कूटर्स बेच दिए थे, ओला S1 बेच दिए थे। तो ओला यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स पे भी काम करने वाला है इनकी फ्यूचर फैक्ट्री में, क्योंकि इनकी जो फैक्ट्री है भाई बहुत बड़ी है, तो भाई कार भी बनाना पड़ेगा इनको, तभी काम चलेगा। तो क्या है इसमें, तो भावेश अग्रवाल जी ने बोला था कि ये इंडिया की स्पोर्टियस्ट कार होने वाली है और कम्प्लीटली मेड इन इंडिया होगी, इंडिया में ही बनेगी, इंडिया में बेची जाएगी और यहीं से बाहर कंट्रीज में भी बेची जाएगी, और ये एक सेडान कार होगी। और मुझे इसका टीजर देखते टाइम टेस्ला मॉडल 3 की याद आ गई। परफॉर्मेंस के बारे में भी उन्होंने थोड़ा सा बताया कि 0-100 केवल 4 सेकंड में जाएगी, 500 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। तो भाई 500 किलोमीटर की रेंज अगर आ गई भाई तो बहुत ही कमाल की बात है। कुछ फीचर्स आपको बताऊं तो पूरा ग्लास रूफ देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको टेस्ला मॉडल 3 में देखने को मिलता है, और इनका जो एक मूव OS है ना वो इसमें देखने को मिलेगा। और हाँ, ये गाड़ी कीलेस तो रहेगी, इसी के साथ ये हैंडललेस रहेगी। अभी हैंडललेस कैसी रहेगी भाई, आएगी तभी मालूम चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ला बना दिया इन्होंने इंडिया के लिए, जो भी है देखते हैं। और इसी के साथ में बहुत सारे फीचर्स होंगे, असिस्टेंट ड्राइविंग कैपेसिटी, ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स रहने वाले हैं। और इन्होंने ये भी बोला कि 2024 में लॉन्च होगी, तो 2024 मतलब आज से 2 साल बाद लॉन्च होगी, देखते हैं कैसी होती है। क्योंकि भाई अभी क्या है, क्योंकि अभी क्या है ना, जितने भी एग्जिस्टिंग IC इंजन के प्लेयर थे वो सभी तो काम कर ही रहे हैं, महिंद्रा ऑलरेडी भाई शोकेस कर दिया है, टाटा है ही, इलेक्ट्रिक ये है ही, तो वहां पे ओला कैसा क्या काम अपना जमा पाता है वो देखने लायक है। वीडियो सही लगे लाइक करो, शेयर करो।